आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि जला हुआ बर्तन को कैसे साफ करें। यहाँ पे देखिए, किसी कारण से दूध या सब्जी या चाय कोई भी चीज़ जल जाए तो उसे बहुत ही आसानी से और बिना स्कॉच ब्राइट के इसे साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारा ये दूध है तो कल जल गया था, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे हम साफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे गैस पर बैठा देंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 गिलास के करीब पानी डाल दें। पानी हमें उतना ही डालना है जितना हमारा बर्तन जला हो। पूरा भर के हम पानी को नहीं डालेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने 1 गिलास के करीब यहाँ पानी को डाला है और ये 1 गिलास और पानी को डाल दें। देखिए, हमने 2 गिलास के करीब यहाँ पानी को डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे ये 1 चम्मच के करीब डिटर्जेंट पाउडर डाल दें। आप यहाँ कोई भी, जैसे कपड़ा धुलने वाला या बर्तन धुलने वाला कोई भी सर्फ को डाल सकते हैं। और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं और जिसे हम केक में यूज करते हैं। तो हल्का सा जैसे पानी गर्म हो जाए तब हम बेकिंग सोडा को डालेंगे। और देखिए, जैसे ही बेकिंग सोडा को डालेंगे, ये जितना भी हमारा दूध का जला है वो ऊपर आने लगेगा और बीच बीच में स्पून से ऐसे चलाते भी रहेंगे। आप चाहे तो हल्का हल्का इसे स्क्रैच भी करते रहें, लेकिन देखिए जो हमारा दूध का जितना जला था वो पूरा ऊपर आ गया है। और ये देखिए, गैस को हम मीडियम करेंगे तो ये फफन कर ऊपर आ जाएगा। तो गैस को लो रखें और लो फ्लेम पर इसे हल्का हल्का स्क्रैच भी करते रहें, बहुत ही हल्के हाथों हम करेंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि जो जला हुआ है बहुत ही जल्दी छूट जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम साफ़ कर लेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना इसमें मैला है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इसमें ही डाल करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। लेकिन इसे अगर आप फटाफट चाहते साफ़ करना तो आप इसी प्रोसेस से करें। तो यहाँ पे देखिए, सारा जला हुआ निकल गया है। ये जो थोड़ा सा हार्ड पोर्शन था, इसे छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ही थोड़ा सा ये जो गर्म पानी और जो बेकिंग सोडा वाला पानी है इसमें डाल करके हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, मैं बिना स्कॉच ब्राइट का ही इसे भी साफ़ करके दिखाती हूँ। जो हमने बेकिंग सोडा और सर्फ का पानी रखा था उसी से, तो थोड़ा सा स्पून से ऐसे इसे साफ़ कर लें। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट हमारा जो दूध का जला हुआ बर्तन था वो बहुत ही आसानी से साफ हो गया है, ये देखिए। तब हम क्या करेंगे, कोई भी डिश वॉश लें और ये स्टील वाले जो स्क्रब आते हैं आप उससे दूध वाले बर्तन को साफ़ करें, बहुत ही आसानी से ये दूध वाले बर्तन साफ़ हो जाएगा। या आप इससे चाय वाले बर्तन को भी साफ़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल जो स्क्रब आता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अगर आप इस तरह से बर्तन को साफ़ करेंगे तो आपका जो दूध का जला बर्तन था वो भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से स्क्रब से साफ़ करने के बाद इसे पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। देखिए, हमारा जो बर्तन जला हुआ था बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें दूध भी जला था। तब हम क्या करेंगे, बर्तन को अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ हमारा बहुत ही एकदम देखिए चमकता हुआ बर्तन साफ़ हो गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।